आज तड़के सुबह दरभंगा में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। तकरीबन 6 वर्षीय शिव कुमार पिता लालू यादव कठलवाड़ी में स्थित रेलवे के प्यूरीफायर टैंक में डूबने से हो जाती है मौत। अब पूरे इलाके में मचती है सनसनी, सन्नाटा। विश्वविद्यालय थाना पहुंचती है। वहीं आपको बताते चले, राकेश नायक ने बड़ा बयान दिया, दरभंगा रेलवे प्रशासन के गलती के कारण इस बच्चे की जान गई है। बताते चले, रेलवे में बने वाटर प्यूरीफाई सिस्टम के टैंक में आज दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 13 में स्थित श्री पशुपति यादव जी के 6 वर्षीय नाती का टैंक में डूबने से अकाल मृत्यु हो गई, जिसे पूरे मोहल्ले में मातम सचा गया। पूरे मोहल्लेवासी शोक कर सकते शोक की लहर में डूब गए। यह उक्त बातें महानगर युवा राजद अध्यक्ष दरभंगा के राकेश नायक ने कहा। उनके परिवार का रो रो के बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोगों ने बड़ी ही कह सकते हैं दुख व्यक्त किया है। बताते चले, इस टैंक पर सुरक्षा की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन ये इस तरह से खुला हुआ था। इस पर बच्चा आया और नहाने या किसी तरह से स्लिप करके गिर गया, लेकिन यह बड़ी लापरवाही बताई जा रही है स्थानीय लोगों की। वजह ये रेलवे प्रशासन का बहुत ही लापरवाही है। वहीं राकेश ने कहा है कि रेलवे प्रशासन इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो करे। आइंदा किसी और बच्चे की जान न जाए, किसी और माँ का कोख न यहाँ पे उजरे। कि डैम है यहाँ पर, पानी स्टॉक करता है, स्टॉक करके यहाँ मशीन खुलता है, तब वाशिंग मशीन पर यहाँ जाता है। और सबसे बड़ी बात है सो यहाँ लापरवाही ठेकेदार का यह है कि आगे में ना गेट लगाया हुआ है, 35 फीट का ये टैंक है नीचे, 3-4 गो है, इसमें ऊपर से जाली भी नहीं लगाया हुआ। कम से कम इसका हाइट भी और ऊँचा रहना चाहिए, 8 फीट कम से कम और ऊपर कर देता तो कोई भी आदमी इसमें नहीं जाकर, बच्चा हो या सियान भी यदि गिर जाएगा तो इसमें नहीं निकल पाएगा। इसलिए इसको सबसे पहले हाइट करना चाहिए, हाइट करके इसमें ऊपर से जाली दे देना चाहिए और मेन गेट उसको लगाना चाहिए। एक स्टाफ रहता है, वो कहता है हमको ठेकेदार 24 घंटा के लिए इसमें ड्यूटी दिए हुआ, तो उससे चल गया होगा लैटिन उटिंग करने या कुछ करने चल गया होगा, इसलिए वो आया है तो फिर खोला है बच्चे मशीन को, खोला है तो बच्चा नीचे से ऊपर उबला निकला। फिर लापरवाही तो सरकार का है, जो यहाँ के इंजीनियर है उसका भी लापरवाही है और यहाँ का जो ठेकेदार है उसका भी लापरवाही है। सबसे पहले तो ठेकेदार को इंजीनियर को अति करना चाहिए से आप स्वीकृति कैसे दे दिए, ना वहाँ गेट है ना इसमें ऊपर से जाली लगा हुआ, ये सब चीज़ पूरा करके तब उसको देना चाहिए सरकार। कितना दिन? 4-5 साल से चालू। क्या इससे पहले भी कोई घटना घट चुकी है यहाँ? नहीं, इससे पहले कोई अच्छी नहीं घटना नहीं घटी, फर्स्ट। नाम बताइए। नाम मेरा पवन पासवान हुआ।